जय श्री राम। जय देव। जैसे आपको पता ही है कि कल एक बहुत शुभ दिन है। रामलला जी तो घर आ गए वापस अयोध्या। कृपा थी मोदी जी की और इस सरकार की, जिस तरीके से अयोध्या में रामलला जी को वापस लाया गया। इसी तरीके में जम्मू में एक बहुत पुरानी हमारी एक 200 साल से 300 साल से एक रथ निकलता है। मेरी आप सब से प्रार्थना होगी सबसे पहले कि धर्मा ट्रस्ट ट्रस्टीज, चेयरमैन ट्रस्टी महाजन करण सिंह जी और बाकी जो ट्रस्टीज हैं उनकी तरफ से, प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब बैठे हैं और पूरे ट्रस्ट से आप लोगों को शुभकामनाएं। हम कल शुरुआत करेंगे 12:30 बजे मंगल आरती से और एक हवन जो होगा, जो एक प्रतिष्ठा है कि हमेशा एक हवन से काम शुरू होना चाहिए। उसके बाद रथ जो है हमारा वो 3:30 और 4 के बीच में निकलेगा। मेरी प्रार्थना सब लोगों से यही होगी कि सब आप लोग जम्मू के वासी जो हैं वो इसमें, जैसे पिछली बार आप लोगों ने हमारा साथ दिया। देखिए, राम जी आते हैं अपने घर, पर इस बार क्या होता है कि राम जी आप लोगों के घर आते हैं। तो ये जो सिग्निफिकेंस है यात्रा की और रथ की, वो ये है कि रथ लोगों के पास जाता है, राम जी खुद आप लोगों के पास आते हैं। तो जैसे आप सब लोगों ने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर पिछली बारी कि 30-40 हज़ार से ऊपर लोग राम रघुनाथ जी के मंदिर आया, तो इस बार भी आप लोग इस भव्य जो हमारा एक फंक्शन हो रहा है यात्रा, उसमें आप लोग शामिल होइए। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो रूट है उसमें थोड़ी चेंज है, क्योंकि स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है तो रघुनाथ बाज़ार जो है उसमें काफ़ी काम लगा हुआ है, तो वो मेरे बाद सेक्रेटरी साहब आपको बताएंगे रूट क्या है। पूजा अर्चना जो है जैसे चलती आ रही है चलेगी, यात्रा जैसे है वो चलेगी, पर मेरी खाली प्रार्थना ये है कि जहाँ पे संगत हो वहाँ पे खुद भगवान आते हैं, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ वहाँ पे शामिल हो, मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है। और मैं खास करके जितनी भी संस्थाएं हैं जम्मू में उनका धन्यवाद करूँगा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका धन्यवाद करूँगा, और सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल जो रोल प्ले किया है रामलला का वापस आने में अयोध्या का और रघुनाथ जी मंदिर के फंक्शन का, वो आप सब प्रेस वालों का था। सो मीडिया और प्रेस वालों को, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अभी महाराज कुमार साहब ने आपको पूरी डिटेल में राम जी का जो रामनवमी का सिग्निफिकेंट है वो पूरे बताए हैं आपको। ये हमारा एनुअल फेस्टिवल भी है और इस रथ यात्रा को, शोभा यात्रा को हम लोग धर्म ट्रस्ट और सनातन धर्म सभा, धार्मिक युवक मंडल जो हमें झांकियाँ प्रोवाइड करते हैं, हम लोग तीनों मिलकर हम लोग रघुनाथ मंदिर से ये यात्रा जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो रूट रहेगा इस दफ़ा का, रघुनाथ मंदिर से होते हुए रेजिडेंसी रोड पे, रेजिडेंसी रोड से शहीदी चौक, राजेंद्र बाजार से कनक मंडी में, कनक मंडी से सिटी चौक तक आएंगे, सिटी चौक से फिर हम लोग पुरानी मंडी की तरफ जाएंगे ओल्ड हॉस्पिटल रोड से, पुरानी मंडी आकर हम लोग जाते हैं लिंक रोड में, लिंक रोड से जैन बाज़ार, जैन बाज़ार से चौक चबूतरा और उसके बाद पक्काडंगा, पक्काडंगा के बाद मोती बाज़ार, मोती बाज़ार से होते हुए हम लोग परेड में, परेड में इस दफ़ा हम लोग झांकी जो है आप सबको पता है कि जो रघुनाथ बाज़ार मेन बाज़ार है वहाँ पे स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, पूरी रोड जो है वो टूटी हुई है, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है मार्बल वगैरह लगवा रही है, इसलिए हमने जो रूट है मोती बाज़ार से होते हुए परेड में, गीता भवन से होते हुए रणवीरेश्वर मंदिर, रणवीरेश्वर मंदिर से होते हुए शालामार और इंदिरा चौक, देन हरिभवन से होते हुए दोबारा ये कल्बिनेट जो यात्रा होगी रघुनाथ मंदिर में होगी। तो ये हमारा रूट है। बाकी जो प्रोग्राम है रघुनाथ मंदिर के वो महाराज साहब ने बताए हैं कि हम लोग सुबह एक हवन करते हैं जिसके बाद में पूर्णोति भी होती है, वहाँ पे काफ़ी जम्मू के जितने भी श्रद्धालु हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। उसके बाद जो यात्रा जो है हम लोग हमने जो धर्म ट्रस्ट की मैनेजमेंट, सनातन धर्म, धार्मिक युवक मंडल, हमारे जो सारे ट्रस्टी हैं उन्होंने डिसाइड किया कि जो
मेन जो शोभा यात्रा है वो हम एग्जैक्ट 4:30 बजे हम लोग हरी मार्केट से हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी हैं और औरतें भी होती हैं, और इलेक्शन का भी माहौल चल रहा है कि 19 तारीख को उधमपुर में इलेक्शन है, उसका भी हम लोग देख रहे हैं। तो इसलिए हम लोग 4:30 बजे एग्जैक्ट हम लोग शोभा यात्रा शुरू करेंगे और बड़े अपने टाइम पे हम लोग रघुनाथ मंदिर में ही कल्मिनेट करेंगे। इसका रूट मैंने आपको बता दिया, वो क्यों हमने चेंज किया है।